بسم الله الرحمن الرحيم हेलो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इन फेमस फाइव पर्सपेक्टिव। आयशा का शोर मुंह से निकल गया था। आज हम लोग ने सोचा था कि हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हमारे जो हीरोज़ हैं, जैसे कायदे आज़म हैं, अल्लामा इकबाल हैं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैं, लियाकत अली खान हैं, इन लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उस वक्त यूथ मोटिवेशन के लिए। इवन 9 नवंबर है, अल्लामा इकबाल की पोइट्री ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यूथ को मोटिवेट करने के लिए। लेकिन हमारे आजकल अगर आप एजुकेशन के सिलेबस में से भी देखें तो उनकी जो हिस्ट्री है या उनकी जो डिटेल्स हैं वो हटती जा रही हैं। आजकल की यंग जनरेशन को पता ही नहीं होता, बल्कि बहुत से अल्लामा इकबाल के शेर भी ऐसे हैं जो इतने टिपिकल हैं कि वो शायद हमें समझ भी नहीं तो लेकिन अगर आप इसको बाहर के हीरोज से कंपेयर करें तो वो लोग बाकायदा उनका फ़ैन पेजेस बनाते हैं, उनको यू नो प्रमोट करते हैं। हालाँकि इन लोगों की इतनी एफर्ट है फॉर दिस कंट्री, ये भी शायद हम रियलाइज नहीं करते। आई डोंट इवन थिंक आजकल के बच्चों को रियली पता होगा इलामा इकबाल कौन है। ज़्यादातर ये होता है, लेकिन मैं अपना बताता हूँ कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट बहुत है इसमें, उर्दू लिटरेचर में। मैंने मंटो को बहुत पढ़ा, मैंने अल्लामा इकबाल को बहुत पढ़ा। मैं मेरा अपने पर्सनल इसलिए मैं खुद पढ़ता रहता हूँ। ये अभी भी मैं अल्लामा इकबाल की कुछ शायरी पढ़ रहा था और मैं अपने पैकेजेस तक में और अपनी थीसिस तक में मैंने अल्लामा इकबाल की पोएट्री यूज की है। वो एक लाइन नहीं होती है, उसके पीछे एक पूरी आप कहानी बना दें उस एक लाइन या कुछ अल्फाज पे, ना आप बेस करके पूरी लाइन, क्योंकि इतना सोच के और उनके उस वक्त लिखे हुए अल्फाज आज तक आप उसको अप्लाई करते हैं अपनी डेली जिंदगी में। आजकल की यूथ तो वैसे भी रोमांटिक शायरी में ज्यादा वो इन्वॉल्व होती है। मैं जनरली, अच्छा है आपने टॉपिक दिया, बिकॉज़ उसमें मैं अपनी मदर से भी ये बात कही थी कि जो पहले जमाने के गाने भी होते थे या जो शायरी होती थी उस टाइम पे, वो मतलब यू नो यू कुड रिलेट टू ईच एंड एवरी वर्ड दैट वाज रिटन इन दैट लाइन। और आजकल की तो मतलब मैं देखती हूँ कि इट्स जस्ट बिकम सो मटेरियलिस्टिक। मैं मतलब ये क्या अजीब डायरेक्शन में चला गया। मेरा जो पॉइंट है वो ये कि क्या हम उन हीरोज को अपने अबैंडन कर रहे हैं? हम अबैंडन ही नहीं कर रहे हैं। आप देखें कि जैसे अल्लामा इकबाल साहब जैसे जो बड़े शायर थे, आज के टाइम पे शायर की इम्पोर्टेंस ही खत्म हो गई। शायर मशरिक के कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं शायर शेर और शायरी में, कितने बताता हूं शायरे होते हैं और कौन कौन सी कैटेगरी के लोग जाते हैं। शेक्सपियर को अभी तक किसने जिंदा रखा हुआ है? उनके लोगों ने जिंदा रखा हुआ है। बिल्कुल, क्या ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई भी नहीं है? उनके पास शेक्सपियर है, नेपोलियन है, ये है, वो है, वो अपने हीरोज को कितना प्रमोट करते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मेरीन, हमारे यहाँ ये है कि अगर जैसा आप कायदे आजम का भी किसी के सामने नाम लेंगे ना, तो वो लोग उनकी सारी नेगेटिव जो बातें हैं ना कि वो ड्रिंक करते थे, वो तो मुसलमान नहीं थे, उन्होंने तो ये किया, वो तो अमेरिकन के उनकी ये इन्वॉल्वमेंट थी ब्रिटिश, वो लोग इस बातों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। भैया आप ये नहीं देखते कि उन्होंने लोगों के लिए ये किया, उन्होंने यूथ को मोटिवेट किया, उन्होंने टू नेशन पूरा मुल्क बना दिया है, पूरी मुल्क बना के आपके सामने प्रेजेंट किया है, जो एक बंदा जो उस वक्त कोई खड़ा होने का सोच नहीं सकता था, उन्होंने वो करके दिखाया। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारा सबसे बड़ा बैकडोर ये था कि इंग्लिश में अंग्रेजों से बात करना, उनसे कम्युनिकेट करना सबसे ज्यादा उस वक्त हमारे यहाँ। आई एम सॉरी, अ वेरी बिग थिंग, बट हमारे जो पाकिस्तान की माइंडसेट जिस तरह की है कि हम लोगों की अच्छाई से ज्यादा हम उन लोगों की बुराई पे ज्यादा फोकस करते हैं। अगर एक बंदा कोई फेमस होता है या उसका काम मशहूर होता है, तो हम सबसे पहली चीज जो करते हैं ना, वो उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, उसकी रिसर्च करते हैं कि पीछे उसका बैकग्राउंड क्या है। आयशा, अगर आप, ये तो एक बहुत दूर की बात है, अगर आप एक फैमिली मैटर्स में भी देख लें, तो अगर हमें किसी इंसान से चिढ़ हो जाएगी या इंसान बुरा लगेगा, हम कहेंगे इसमें सारी बुराइयां, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है अगर मुझे किसी की एक आदत बुरी लगती हो, तो ये कहना कि इसमें सारी आदतें बुरी हैं ये गलत है, उसमें 10 अच्छी आदतें भी होंगी। देखिए, एक मुल्क अगर या मुल्क के लोग हीरो तब बनते हैं जब आप उनकी अच्छाई को इंकरेज करें और प्रमोट करें। आप बाहर जाएं तो आप लोगों को बताएं कि हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे लोग भी आए हैं, उन्होंने ये, लेकिन हमारे लोग तब बताएंगे ना जब उनको इनफ इंफॉर्मेशन होगी। मैं पहले की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आज की स्कूलिंग सिस्टम की बात कर रही हूँ कि आज के बच्चों को कितना पता है कि अल्लामा इकबाल और कायदे आजम, शायद कायदे आजम उनको शायद पता है कि हमारी करेंसी पे उनकी फेस है और शायद उन्होंने कायदे आजम मजार देखा। आप ये देखिए कि अलजेब्रा,
मुस्लिम इन्वेंटर्स, हकीम लुकमान, बू अली सीना, दिस एंड दैट, मतलब मुस्लिम इन्वेंटर्स बहुत ये सब चीज़ें एक्चुअली मुस्लिम्स की इन्वेंट की भी हैं, जिसको बाद में मॉडिफाई करके इन्होंने अंग्रेज़ों ने अपने नाम से उसको वो पोर्ट्रे कर दिया कि हाँ जी ये चीज़ हमने की है, लेकिन उसका फाउंडर कौन था? मुस्लिम्स थे। जैसे अभी सिकंदर सनम जो हमारे कॉमेडियन हैं उनकी डेथ हुई है, लेकिन कल ही मैं किसी मॉर्निंग शो पे देख रही थी कि उनके साथ के जितने कुलीग्स थे वो बैठे हुए बात कर रहे थे, मैंने भी देखा था। हाँ, उन्होंने यही बात की थी, उन्होंने कहा था कि ठीक है आज वो हमारे साथ नहीं है तो हम पूरी मीडिया में और सब लोगों में उनकी अच्छाइयों की बातें हो रही हैं, लेकिन जब वो जिंदा थे और जब वो काम कर रहे थे तो कौन से मीडिया ने उनको कौन सा काम दिया है कि यार आप इतने टैलेंटेड हैं, ये आपका प्रोजेक्ट, इस पे काम करें और हम यू नो आपका भी नाम हो, हमारे मुल्क का भी नाम हो। कहते कितने लोगों ने किया, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये कि जब लोग चले जाते हैं ना तब हम उनकी कदर होती है, जब वो होते हैं ना हम उनकी कदर करते हैं, बल्कि हम वही बात होती है हम उनको नीचे दिखाने में अपनी पूरी यू नो मेहनत और जान लगा देते हैं कि इसको हम नीचे लाएं कैसे। और हर बंदे की एक क्वालिटी होती है आयशा, जिसको शायद कोई ना कोई क्वालिटी ऐसी होती है जिससे दूसरा बंदा रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर मैं भी हूँ, एक बात है, अगर हो सकता है मैं भी नहीं हूँ, मेरी जगह कोई दूसरा बंदा आ जाए, लेकिन शायद कोई ना कोई मेरी बात ऐसी जरूर जिसको लोग कहेंगे यार इसमें वो थी तो उसमें ये बात थी। बिल्कुल। और आई थिंक वो जो ये लॉट था ना, कायदे आजम, इलामा इकबाल, लियाकत अली खान साहब, इन सब का एक लॉट था व्हिच वर नॉट रिप्लेसेबल। वंस दे गॉन, उस जमाने के यंगस्टर्स अलग थे, कोई सक्सेसर नहीं था ना। मतलब आप देखोगे अभी तक, आज तक आप किसको कह सकते हो कि यार नहीं कायदे आजम या इलामा इकबाल या लियाकत, फुटस्टेप इन लोगों ने फॉलो किया, हमारे नहीं किया। अब आप ये देखिए 14th August पे जो एक हमने शो भी किया था, डॉक्यूमेंट्री की थी, तो उसमें आप ये देखें तो जब मतलब वो शमशाद कुरैशी साहब जब अपनी डिटेल्स बताई तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज कहते थे जाओ अब तुम लोगों को हम नमक नहीं दे रहे, अब जाओ तुम मतलब क्या कहते हैं अपने कायदे आजम से मांगो, जाओ कायदे आजम से मांगो। और जब उस पर भी यानी कि उन बेचारों खाने में नमक नहीं मिला, जब कायदे आजम आते थे विजिट करते थे तो वो लोग कोई इतनी उनको मोहब्बत थी कायदे आजम से, वो कहते थे नहीं कायदे आजम ने पाकिस्तान, कायदे आजम ये बात कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। जो उस वक्त के लोग थे वो बड़ा प्यार करते थे कायदे आजम से, बड़ी इज्जत करते थे हमारे उस टाइम पे, लॉयल्टी बहुत ही लोगों के साथ। आजकल की लॉयल्टी है कि एज लॉन्ग एज आप मेरे किसी काम के हो मैं आपके साथ बहुत अच्छी होंगी, द मिनट मेरा आपके साथ काम खत्म हुआ है आप कौन मैं कौन, हमारे यहाँ ये होता है। और जो आजकल जो सो कॉल्ड लोग कहते हैं कि जी हम बड़े हमें मोहब्बत है अपने मुल्क से, ये है वो अपना बैंक बैलेंस, अपनी यू नो वो शान और शौकत ही नहीं खत्म करने के लिए तैयार है, उनको आप बोल दें कि आप किसी छोटे से क्वार्टर में रहें पता चल जाएगा कितना उनमें है मोहब्बत। बिल्कुल नहीं, आई एग्री, हमारे यहाँ वो हीरोज, वो फिलोसोफर्स मैं कहना चाहूंगी, मोर सूटेबल टर्म, हमारे फिलोसोफर्स अब इतने नहीं है। और अगर हमें वाकई हम कहते हैं कि पेट्रियाटिज्म नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो द थिंग इज दिस कि वो ऐसे नहीं आता किसी चीज से। अगर आपको मोहब्बत वाकई पैदा करनी है यंगस्टर्स में, अच्छा शायरी में जो है म्यूजिक ने बड़ा एक रोल किया प्ले मेरे टाइम पे, क्योंकि जुनून था उस वक्त, जुनून ने जो इकबाल की शायरी पे म्यूजिक किया, वो प्रमोशन के पैसे नहीं दिए, लेकिन मैं जरूर एक प्ले हो रहा है आजकल आर्ट्स काउंसिल में 14 अगस्त, मैंने लास्ट ईयर इसी कुछ अर्से पहले आई थिंक समर्स में हुआ था, एंड इट वॉज अ फैंटास्टिक प्ले। ऑल दोज हु इंटरेस्टेड, आई थिंक उनके होर्डिंग्स काफी पूरे कराची में लगे हुए, इट्स अ मस्ट वॉच प्ले। आई मीन वहाँ पे इट्स हिलेरियस, बट बाई दी एंड ऑफ इट उन्होंने जिस तरह की एंडिंग की थी कि मतलब मैं बैठी थी और आई नाउ स्टार्टेड क्राइंग, बिकॉज वो इतना आपको हिट करता है कि यार ये भी तो हम में से एक थे ना, ये लोग कहीं आसमान से अलग तो नहीं उतरे, नहीं ये नूर थोड़ी थे ये लोग उतरे, मतलब उनको भी भूख लगती थी, उनको भी गर्मी लगती थी, उनको उनकी तबीयत भी खराब होती थी। इवन अगर आप देख लें कायदे आजम को ही, तो वो दिन और रात काम करते थे, आखिर में उनकी हेल्थ, उन्होंने अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस कर दिया। नहीं अब रोना मुझे इसलिए आया था कि यार बाकी मुल्क अगर बनता है ना तो वो मुल्क बेहतरी की तरफ जाता है, हमारा मुल्क एक अच्छे टाइम पे बना, बहुत कुछ है हमारे मुल्क के अंदर, लेकिन हमने उसको डाउनवर्ड्स हमने उसको बिल्कुल तबाह कर दिया ना, तबाह करने की कोई दुनिया का कितना स्पेशल मुल्क है जो कि प्रॉपर आईडिया के साथ डेवलप किया गया। मतलब जब पाकिस्तान बनाया गया तो एक मुस्लिम स्टेट के कॉन्सेप्ट से बनाया गया, बिल्कुल एक मुस्लिम स्टेट, और उसके पीछे कितने लोगों की सैक्रिफाइसेस थी, कितने लोगों की सोच थी, कितने लोगों का एफर्ट था, कितने लोग अपने घर बार
मैं उस दिन भी बल्कि जो अभी स्टॉर्म आया हुआ था तो मम्मी से ही बोली थी, मैंने कहा अम्मा कितना मुश्किल है ना लोगों के लिए अपना घर छोड़ के ऐसी भागना, और उनको ये भी नहीं पता कि पता नहीं जब हम वापस आएंगे तो हमारा घर हमें, और ये उनके लिए हर साल की बात है, हर साल ही स्टॉर्म्स आते हैं। मैं भी सोच रही थी कि उस वक्त पार्टीशन के टाइम पे जो लोग अपना बना हुआ घर बार, और ये नहीं थे कि सारे लोअर क्लास के थे, देयर वर अ लॉट ऑफ वेल ऑफ पीपल जिन्होंने अपनी गाड़ियां नौकर चाकर सब छोड़ के, उनको पता ही नहीं था कि उस दूसरे मुल्क में हम जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा। अगर वो लोग ये कर सकते तो यार हम तो आराम से अपने घरों में चला के बैठे हुए हैं। देखो तो वो कहते हैं कि हमारे घर में तो देगें चढ़ी हुई थी खाने की जो हम छोड़ गए। बिल्कुल हुआ है मेरी बहुत से लोग ऐसा, और आज आज हम ही लोग हैं जो उनकी फिलोसफीज, उनको तो खैर हम भूल ही चुके हैं, उनकी फिलॉसफीज भूल चुके हैं, उनके एफर्ट्स भूल चुके हैं, और ना ही अब हम कोई ऐसा सेट ऑफ जनरेशन भी नहीं ला रहे हैं कि जो यू नो ठीक है इतने हमने गलत चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, इतनी बुराई हमने एक्सपीरियंस की है, तो हम एज ए सोसाइटी क्या कर रहे हैं उसके बारे में, हम कौन से लोगों को तैयार करें कि नहीं ये जो है ना ये एक नया सेट ऑफ जनरेशन है। मैं आजकल के बच्चों की बात करती हूँ, ये नया सेट ऑफ जनरेशन है, हमने नहीं किया तो हम इनको इंकरेज करते हैं और इनको सिखाते हैं कि बेटा हम नहीं कर सके लेकिन तुम लोग को ये करना है। हम लोग तो वो भी नहीं कर रहे, नॉट इन प्लेइंग दैट पार्ट। सिलेबस में इंक्लूड कर दें जिसको तो बच्चे कम से कम एग्जाम पास करने के लिए पढ़ ही लेते हैं, तो एटलीस्ट मतलब बच्चों को वो पिछले 15-20 साल से एक ही दुआ उन्होंने रखी हुई लप्पे आती है दुआ, जो मैंने बचपन में पढ़ी थी वही अभी मेरे बहन भाई पढ़ रहे हैं। So there is no improvement, right? Because we are not creating intellectuals, we are not creating philosophers, we are just creating another talented human being. क्योंकि I think उनका जाना जो है ना नीरज का, वो उनका loss नहीं, वो हमारा loss है। उन्होंने तो अल्लाह ताला ने उनको जो भी एक life जिस mission और जिस objective के लिए उनको पैदा किया था, और अल्लाह मियां ने उनसे वो काम कराया and वो चले गए। और they did it very well. उन्होंने अपना right जो है ना मतलब अपनी life waste नहीं की, उनकी तो एक अचीवमेंट है जो जिंदगी के साथ उनकी अटैच हुई है, और हम लोग जब शायद मरेंगे तो पता नहीं हमारा। मैं अक्सर ये जब हम एक थॉट बोलते हैं ना कि यार सब कुछ है लेकिन वो एक सेटिस्फैक्शन नहीं है हमारे अंदर, तो मे बी ये सेटिस्फैक्शन में इसलिए भी नहीं आती बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे और समवेयर बैक इन द हेड यू नो दैट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द कंट्री। अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो मतलब बुरा भी तो ना करो। हम अपनी जिंदगी में सब अपने लिए जी रहे हैं, हम लोगों के लिए नहीं जी रहे हैं ना हम इस मुल्क के लिए जी रहे हैं। जो मुल्क हमें इतना कुछ दे रहा है हम सिर्फ उसको गालियां दे रहे हैं, हम उसके लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम इस मुल्क को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हालांकि मुल्क तो बेचारा चार सीजन्स भी हैं, सारे फल सारे फ्रूट सारी सब्जियां आपके पास है, एक्सप्लोर करें, दरिया आपके पास है, समंदर आपके पास है, पहाड़ आपके पास है, सब मतलब क्या नहीं है हमारे पास, लेकिन हम फिर भी इस मुल्क को क्या सबसे घटिया मुल्क अगर मैं ये वर्ड कह सकूँ, तो बहुत से मैंने पाकिस्तानी के मुझे ये तो रहने के लायक ही नहीं है, तो मुल्क रहने के लायक ही नहीं, यहाँ से तो निकलो। अगर हम अपने मुल्क को ही अगर हम ही ऐसा सोचेंगे तो बाहर वाले तो फूल नहीं जाड़ेंगे। अगर ये मुल्क ऐसा है तो ये हमने और आपने बनाया मुल्क, ये थोड़े अपने हाथ पैर करके बनाया अपने आप को। एक जमीन थी जो हमें मिली, उसमें रहने वाले लोग जो हैं उसको वो कहते हैं ना मकान तो बिल्डिंग तो मकान होती है, उसको घर तो लोग बनाते हैं ना, जब उसमें जाते हैं रहते हैं तो वो घर बनता है ना। ये तो हमारा मुल्क तो ये एक, और प्लीज वो जो कहते हैं ना हुक्मरानों पे जो ब्लेम कर रहे हैं, वो हुक्मरान आप हमारी वजह से आए हैं, वो खुद पर लगा के नहीं आए थे, कुर्सियों पे नहीं बैठ गए थे, आपने और मैंने उनको वोट करके लाए हैं। और अगर आप बहुत से ऐसे वजूहात हैं तो ये भी अंडरस्टैंड करें कि वो भी हम में से एक लोग हैं। अगर हम अपने घर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो हम इस मुल्क को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और अगर हम अपने घर की बेहतरी के लिए सोच सकते हैं तो हम इस मुल्क की भी बेहतरी के लिए सोच सकते हैं। अगर बात है तो मेरा ख्याल है उन लोगों ने जितनी तकलीफें उठाई थी तो हम तो कुछ तकलीफें उठा ही नहीं रहे, उन्होंने तो मारे खाई हैं, जेल में गए हैं, क्या क्या तकलीफें उन्होंने नहीं उठाई हैं, लेकिन उनके माइंड में एक गोल था जिन्हें जिसे उन्होंने अचीव करना था। अगर आपके माइंड में भी कोई गोल होगा, कोई सोचता होगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एट एनी कॉस्ट हम उसे अचीव करते हैं, दैट्स ट्रू। लेकिन ये कि हम अगर गोल ही नहीं रखेंगे, कोई बस जिंदगी बस ऐसी बेकार गुजार रहे हैं तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ वाकई में गुजार रहे हैं। खैर ऑन दिस नोट वी आर गोइंग टू एंड द शो। 9th नवंबर इसकी इम्पोर्टेंस अपने, अगर आपको पता है तो अपने, जिन लोगों को नहीं पता उनको ही बता दें, नहीं बता सकते एटलीस्ट अपने बच्चों को तो घर में बैठ के बताएं कि बेटा आज के दिन की ये अहमियत है, ये हुआ था, ये हुआ था। खुदा का वास्ता जो आप इसे फालतू चीजें में दिखाते, पहले हेड्स ऑफ टू पीटीवी के बड़े प्रोग्राम होते थे 9th नवंबर के, और इसके मतलब एक इवेंट होता था, सेलिब्रेशन होती थी। मुझे याद है स्कूल में हम वो उनके जो भी पोएम्स होती थी उस पर हम पूरी परफॉर्मेंसेज होती थी। मीडिया अपना रोल प्ले करे, हम लोग अपना रोल करें, हर इंडिविजुअल अगर अपना रोल प्ले करेगा तो आई थिंक इस मुल्क को बेहतर बनाने में कोई किसी का हाथ आके हमें नहीं रोक सकता। अपने कॉमेंट्स फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इस दिन की अहमियत भी सबके साथ शेयर करिएगा ज़रूर। तरार
करेंगे।